एक और अच्छी खबर आ रही है हिसार की। जी हाँ, बात कर रहा हूँ जिंदल मॉडर्न स्कूल हिसार में खड़ा हूँ, जहाँ पे कि जल्द ही शुरू होने वाला है 500 बेड का हॉस्पिटल। जी हाँ सर, जी हाँ दोस्तों, 500 बेड का हॉस्पिटल। जहाँ एक अच्छी खबर मिली है, यहाँ के ऑनर जो इंचार्ज, साइट इंचार्ज है, वो हमें मिले हैं। सर अपना परिचय दे दीजिए। मैं रुपिंदर वालिया हूँ, डायरेक्टर जेबी डेकोर जी। देखिए एक और खबर निकल के आई है, जेबी डेकोर जो कि सर कहाँ से हैं? जेबी डेकोर दिल्ली से हैं। और मिस्टर वालिया जी मेरे साथ हैं, इनसे पूरी बात करेंगे। सर बता पाएंगे आप कितने हैंगर्स हैं टोटल और क्या क्या फैसिलिटीज देने वाले हैं? जी हम 500 बेड का बना रहे हैं यहाँ पर। ओके, बड़े अर्जेंट बेसिस पे बन रहा है, मुख्यमंत्री साहब खुद मौके पर आए थे। क्या आप विजिट करा पाएंगे सर साथ साथ? आजिए सर प्लीज। मीटिंग भी है तो मैं। हाँ, नो प्रॉब्लम सर, वी विल टेक योर हार्डली 10 मिनट्स। हाँ बताइए सर, कितने टोटल बेड्स हैं यहाँ? टोटल हम 500 बेड को ऑक्सीजन बेडेड बना रहे हैं। ओके, ये हमारे को 15 से 20 दिन का लक्ष्य दिया गया, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब डे टू डे इसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं फोन पे। ओके, तो हम इसको हफ्ते से 10 दिन के अंदर ओके बिल्कुल रेडी कर देंगे। तो अप्रोक्स कितने, कौन सी डेट को यहाँ इनॉग्रेशन होने वाला है सर? देखिए ये तो सरकार तय करेगी, क्योंकि गैस पाइपलाइन का काम जो है बहुत डिफिकल्ट था। ओके, वो जिंदल ग्रुप के लोगों ने यहाँ से पाइप डाली है। ओके, डे नाइट काम कर, कोई पर्टिकुलर कोई पार्ट था जो पॉसिबल नहीं था, जो चीफ मिनिस्टर साहब खुद अवेलेबल करवा रहे हैं। ओके, सिर्फ उसमें थोड़ी सी एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है। ओके, अदरवाइज इंफ्रास्ट्रक्चर को सब हमने यहाँ रेडी कर दिया, यही वॉशरूम से लेके ओके सारी सुविधाओं से ले, जिससे मैं प्रॉपर जो कहते हैं हॉस्पिटल पूरा सेटअप कर दिया है आपने अपनी तरफ से, पूरा हमने प्रयास किया ओवरनाइट इसको। मैं दोस्तों को दिखाना चाहूँगा कि बेड्स भी यहाँ पे शुरू हो गए हैं लगने, और इस तरफ लेफ्ट साइड दिखाऊंगा, ऐसे रोगी को कहूँगा दिखा दिया जाए, चेयर्स भी यहाँ पे लगा दी गई है, रिसेप्शन है जी, और ये ओपीडी है यहाँ पे, रिसेप्शन एरिया है। और सर क्या बताएंगे सर, क्या क्या है इसमें? इसमें चार ब्लॉक जी, आज ये बी सी डी चार तरह के ब्लॉक है। ओके, और फिर चार ब्लॉक्स में हमने इसको डिवाइड किया, कहीं 200 बेड है, कहीं 100 बेड है, फिर दो बिल्डिंग है उसके अंदर 150 बेड है, ताकि जो स्प्रेड रहे और थोड़ा सा फैल के लोग डिस्टेंस में रह के ओवर क्राउडेड ना हो जाए। राइट, और हमने रूम नुमा बनाया, जैसे बाकी जगह बन रहा है तो सिर्फ सिंपल लोग बेड्स लगा के वॉल लगा रहे हैं, हम पेशेंट की एक बार दिखा दिया जैसे होगी को कहूँगा दिखा दिया जाए, दूसरे वाले हैंगर में आगे दिखाते हैं जी, आइए जी। तो जो हैंगर है उसमें हमने प्राइवेसी देने की भी कोशिश की है कि 6-6 पेशेंट्स यहाँ पूरा एक दूसरे को, कोई पेशेंट ज़्यादा सीरियस होता है जैसे ये बॉक्स देख रहे हैं जी, तो एक दूसरे के इफेक्ट से वो दूसरा डिस्करेज या। देखिए मैं एक बात कहूँगा, मिस्टर वालिया जी बता रहे हैं कि ये जो है सेपरेट बना रखा है, जैसे कोई सीरियस पेशेंट होता है वो सेपरेट है कि स्प्रेड ना हो, स्प्रेड को मद्देनजर देखते हुए इन्होंने कैबिन प्रोवाइड कराए हैं। सर और क्या स्पेशलाइजेशन है यहाँ? देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, ऑक्सीजन हर बेड पे अवेलेबल है। ओके, और 500 बेड का ये हॉस्पिटल है, और क्या कहते हैं डॉक्टर सारे यहाँ पर जी 24/7 इसको मॉनिटर करेंगे जी, और ये 6 महीने से ईश्वर करे कि ये कार्य प्रॉब्लम जल्दी ख़त्म हो जी, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको लगभग 6 महीने के लिए इस्टेब्लिश किया जी, और ये अभी तक का ये रिकॉर्ड मानेंगे कि हमारी जो टीम और अब सब ने और सारे PWD प्रशासन से लेके, मैंने यहाँ पर मौके पे देखा कि बड़ी गंभीरता है, ऐसा नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं जी, लोग बहुत संजीदगी से यहाँ सारे ऑफिशल्स लगे हैं जी, मुख्यमंत्री बार बार इसको टेलीफोन पे देख रहे हैं कि कितनी तैयारी हुई, हम भी इस गंभीरता को समझते हैं, मेरी टीम ने भी डे नाइट काम करके ये हॉस्पिटल। सर ओवरऑल इतना स्प्रेड हो गया, कम्युनिटी स्प्रेड हो गया, इसी गंभीरता को देखते हुए बात करते हैं मुख्यमंत्री की, बात करते हैं ऑफिसर्स की, दे ऑल आर अलर्ट सर, ये बात ऐसी है रियली दे ऑल आर अलर्ट, क्योंकि कोविड दे आर रैपिडली दे इंक्रीजिंग सर, एब्सोल्युटली देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ऑल आर वर्किंग डे एंड नाइट, एंड आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे दे आर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स, दे अंडरस्टैंड द कंसर्न, एंड आई थिंक बिकॉज़ दे आर बैकिंग अस, दे आर सपोर्टिंग अस, that is the reason we could you know make such big hospital this kind of cooperation in yeah. five seven days yeah. otherwise it takes a month or so to develop this kind of a hospital, but because of the you know Alok Nigam sir, Nihal Singh sir and all DC ma'am, everybody have been so supportive, uski wajah se sara hum karke pa rahe hain ki hum ek call ke upar wo raat ke 2 baje bhi available hai, usually aap police support aapko mil rahi hai prashasan se, hisab prashasan ki baat kar rahe hain, ek ek janmanas ki local residents ki, अगर मुझे मान लीजिए कोई नट नहीं मिल रहा है तो रात को फैक्ट्री खोल के लोगों ने मुझे नट दिया कि आप खोलो, मैंने DC यहाँ किसी को भी रिपोर्ट मांगी कि मैम ये पार्ट चाहिए तो रात को फैक्ट्री खुलवा के, तो इस तरह से तभी हो पाता है अगर मैं
सपोर्ट ना हो तो मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारी एक प्रोफेशनल कंपनी है और हम तो अब आगे भी लोगों को ये कहेंगे कि हम एक मास्टर प्लान बना के देंगे मीडिया जगत को कि आप छोटे दूरदराज गांवों में, क्योंकि मास्टर प्लान बनाने में बहुत समय लगता है, अगर हम वो शेयर करें तो लोग लोकल लेवल पे इस तरह का मास्टर प्लान की बात आई है, मैं चलते चलते फिर पूछूंगा सर। जैसे मास्टर प्लान की बात आई, इज देट एनी एलिवेशन ऑफ लेआउट सर, लेआउट भी तैयार रहेगा पूरा पूरा लेआउट। कल मेरे ऑफिस अगर आएंगे तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि हमने इसको कैसे प्लानिंग में लिया है, सो देट की सारी सुविधाएं इसमें रहे और ओवर क्राउडेड ना हो, क्योंकि आप जानते हैं बीमारी ऐसी है कि दो गज की दूरी वाली बात। तो हम यहाँ भी अब जैसे हमने बॉक्सेस बनाए, हमने एक साथ हॉल नहीं रख दिया कि 100 के 100 बेड एक दूसरे को देख पा रहे हैं जी। कोई आदमी लो फील करता है, कोई एनर्जेटिक, अब एक पेशेंट अगर उदास है तो 4 को उदास करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हमने कोशिश करी है कि हम उनको सेपरेट रखें, वो अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन कर सके जी और अपनी प्राइवेसी में। हमने हॉल का हॉल नहीं बनाया, मतलब कहने की बात है पूरी साइको आरएनडी करके आपने बनाया है। हाँ, पूरे वार्ड्स हैं, पूरे विंग्स हैं, नर्सिंग स्टेशन है और डॉक्टर्स कहाँ सोएंगे और सबके हिसाब से वॉशरूम्स कितने नज़दीक होने चाहिए जी। और क्या कहते हैं जो नहाने धोने की उनकी सुविधा है वो भी हमने यहाँ पे परमानेंट बना दिए हैं, टेम्परेरी नहीं है उसको। इस तरह से अगर वो सालों साल भी हो सकते हैं तो वो भी मैंने उसको यहाँ पे परमानेंट बना के दिए, क्योंकि अल्टीमेटली वॉशरूम एक बड़ी इसेंशियल चीज़ है। बिल्कुल, सब अच्छे घरों से और सब साफ सफाई हमारे देश की प्राथमिकता है जी। तो लोग अगर एक वॉशरूम साफ यूज करेंगे तो बेटर रहेगा, तो वो भी हमने यहाँ पे बनवाया। तो कहने की बात है सर, जैसे कि आपने पूरा रिसर्च करा है, सर कह रहे हैं कि एज फार एज बाथरूम इज कंसर्न, बाथरूम भी बिल्कुल पास किया गया और साथ साथ जो मैं कहूँगा सेपरेशन, एक बार कहूँगा सहयोगी को दिखा दिया जाए, बिल्कुल सेपरेट बना रखे हैं, कैबिन्स बनाए हुए हैं। अगर कोई पेशेंट का साइकोलॉजिकल बैलेंस इनबैलेंस हो जाता है, मूड खराब होता है, वो सोडट की किसी और के ऊपर प्रभाव ना पड़े ये देखते हुए सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है। मैं अब बात करूंगा ऑक्सीजन की सर, व्हाट अबाउट ऑक्सीजन, इज देयर एनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यू आर गोइंग टू सप्लाई? देयर इज अ प्लांट जनरल का पूरा प्लांट है, दैट इज द रीजन दैट वी हैव एस्टैब्लिश्ड दिस हॉस्पिटल हियर बिकॉज़ इट इज वेरी क्लोजर टू द प्लांट। नाउ जिंदल पीपल हैव बीन वेरी सपोर्टिव बिकॉज़ ऑफ यू नो द ऑन द गाइडेंस ऑफ गवर्नमेंट चाहेंगे जी जी। उन्होंने एक अपना पाइपलाइन डाला है और आगे की जो पाइपलाइन है वो फिर बेड टू बेड हम कर रहे हैं जी, बेड टू बेड हम कर रहे हैं, लेकिन प्लांट की जो है जी, वो जी, क्या कहते हैं पीछे से जिंदल ने किया है। बहुत डिफिकल्ट काम था, आई मस्ट अप्रिशिएट जिंदल पीपल, सैल्यूट टू जिंदल स्टील, जिन्होंने पूरा इतना कोऑपरेशन किया और क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद इंटरवीन किया था, वो मौके पर स्वयं आए थे, ऐसा अमूमन नहीं होता, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद मौके पर आके 2-3 घंटे लगा के पूरा मास्टर प्लान खुद शेयर करके ये बनाया, तो इसने हमें बड़ा बूस्ट किया जी। इस लेवल पे अगर संजीदगी है, अभी आप वॉशरूम देख रहे हैं, ये सब ये देखिए वॉशरूम जो है, ये वॉशरूम तैयार हो रहे हैं यहाँ पे और बहुत ही मैं कहूँगा एक अच्छे स्टैंडर्ड्स पे ये बाथरूम को तैयार किया जा रहा है। जैसे कि सर बता रहे हैं मेरे साथ, जेबी डेकोरेट से हैं ये सर, दिल्ली से, और ये कह रहे हैं पूरी जो स्पॉट मिली है, बात करते हैं हिसार प्रशासन की, बात करते हैं सीएम लेवल की, पूरी स्पॉट मिल रही है इनको, और बात करेंगे जिंदल ग्रुप की, जैसे कि बात आ जाती है लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है, नॉट इवन एनसीआर के बाद अगर हम बात करते हैं और भी डिस्ट्रिक्ट्स की, वहाँ भी ये कमी आ रही है, मगर यहाँ पे जो एक एश्योरेंस दी जा रही है जिंदल ग्रुप के द्वारा, ऑक्सीजन की कमी नहीं आने देंगे। सर और क्या कहना चाहेंगे और क्या स्पेशलाइजेशन? बस और तो ये तैयार करना चाहते हैं हम जल्द से जल्द। तो अप्रोक्स कितने दिनों में तैयार हो जाएगा? देखिए हम इसको और विद इन 2-3 डेज जो है हम ये हैंड ओवर कर दें। सिर्फ एक ऑक्सीजन की जो पीछे से पाइपलाइन आ रही है, एक पर्टिकुलर पार्ट है जिसको बड़े उच्च स्तरीय लेवल पे अरेंज किया है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मैम ने, वो आ जाएगा तो ये तुरंत इसमें कोई इसमें देर नहीं रहेगी। वॉशरूम में 2-3 दिन है जो मैं कहूँगा, एक बार वॉशरूम और ये पीछे हैंगर्स भी दिखा दिया जाए जी। ये वॉर लेवल पे काम है, जैसे आर्मी के युद्धों में काम होता है उस लेवल पे काम। बिल्कुल सर, डे नाइट काम हो रहा है, आवर्स बेसिस। दिस इज कॉल्ड डेडिकेशन सर। एब्सोल्युटली, बिकॉज़ मैं यही कहूंगा सर, कोविड इतना स्प्रेड हो गया है, इसमें सबसे ज्यादा जो मैं जिनका जिक्र कर रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं, वो मेरे मजदूर हैं जो ये जानते हैं कि हम और पेशेंट्स की जान बचाएंगे। उन्होंने भी ये नहीं कहा कि हम ये कोविड फैला हुआ नहीं, सब दिन रात जो अल्टीमेट जो है, जो मेहनत कश जो हमारा श्रमिक है जो यहाँ दिन रात लगा हुआ है और काम कर रहा है और इस बीमारी से डर के नहीं भाग रहा है, वो कह रहा है कि नहीं हम मदद करना चाहते जी। तो ह्यूमैनिटेरियन लेवल जो देखने को मिल रहा है वो अक्रॉस द लाइंस है, हर लेवल के लोग मदद कर रहे हैं और हम बड़े अच्छे से इसको करेंगे और लोगों को एक राहत का जल्द से जल्द है। एक बहुत अच्छी खबर आप लेके आ रहे हैं कि 500 बेड का जो हॉस्पिटल एस्टेब्लिश कर रहे हैं विद इन ए फ्यू डेज, मैं कहूंगा और 2 और 5 डेज के भीतर आप ये कर देंगे। और एक बहुत ही मैं कहूंगा एक स्पोर्टिव रेंज रहेगी आपकी तरफ से कि आप पेशेंट्स को एक राहत देने वाले हैं। और मैं एक बात कहूंगा सर, एक संदेश आपसे लेना चाहूंगा सर, जो हमारे हिसारवासी देख रहे हैं, जो आज माहौल हो गया है, एक डिप्रेशन का, एक तनाव का माहौल देखा जा रहा है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं इस तो योग्य नहीं कि मैं कोई संदेश दे सकूं, मैं तो एक छोटा सा इतना सा एक
एक डेकोर कंपनी चलाता हूँ, अपनी सेवाएं दे रहा हूँ जी। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे भारत के लोग जहाँ जितनी जल्दी नेगेटिविटी आई है उससे फास्ट पॉजिटिविटी भी आ रही है। लोग जो है बहुत एक दूसरे के मददगार हो रहे हैं, जो लोग आपस में एक दूसरे बोलते हुए सिलेंडर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि जो डिपार्टमेंट्स पे भी जो प्रेशर पड़ा है वो भी अपने दिन रात अपने लगे हुए, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने मौके पे देखा, मैंने रात को 2 बजे भी किसी को कॉल किया है, तो ये पेशेंट्स के लिए तो किया ना, मेरी तो मदद नहीं हो रही। बिल्कुल संजीत की है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल लोग धैर्य बनाए, एक 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 प्रॉब्लम आई है तो प्रॉब्लम से अब सब मिलके फाइट करेंगे। और भारत तो सीधी सीधी बात, कोरोना हारेगा देश जीतेगा, बात एक ही मोटी बात है दिमाग में, कोरोना हारेगा देश जीतेगा। बिल्कुल हम सब लगे, हम आप साथ साथ खड़े। बिल्कुल सर, इसलिए कि हमारी जान को और आपके मीडिया कर्मी इतनी यहाँ पर रिपोर्ट करने आए हैं, बिल्कुल लोगों को राहत पहुँचाएगी आपकी न्यूज की, यहाँ कुछ बनने जा रहा है। भगवान ना करे जिसके घर में प्रॉब्लम है या वो दुख से है तो उसको 2 हफ्ते में राहत मिलेगी। तो आप लोग ने भी तो अपनी जीवन दान पे लगा के आप न्यूज लेने आए, तो आप भी घर बैठ सकते। सब लगे हुए, ऐसा नहीं है। जिन बिचारों को ये प्रॉब्लम आई है उनके साथ पूरा देश खड़ा है, हम खड़े जी, सारा डिपार्टमेंट खड़ा है। ऐसा नहीं। थैंक यू सो मच सर। एक बार नाम और बता दीजिए, कंपनी का नाम, सो डेट हमारे दर्शक को। रुपिंदर वालिया है, मैं जेबी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली से हूँ। वी हैव गॉट अ ऑफिस इन फरीदाबाद आल्सो। यू आर वर्किंग एज ए मैनेजर ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी जोगिंदर वालिया। रुपिंदर, ये रुपिंदर वालिया जी थे जेबी डेकोर से थे, जो कि दिल्ली से हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, डरना नहीं है, क्योंकि एक दिन कोरोना मस्ट, कोरोना हारेगा देश जीतेगा। स्वाइन फ्लू नहीं रहा और प्लेग नहीं रहा और कोरोना भी फुर हो जाएगा। दोस्तों डरना नहीं है, हिम्मत का नाम होता है दूसरी जीत। सो डैट 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, ऐसे ही जीतेगा भारत देश, कोरोना हारेगा। जय हिंद, जय भारत।